तो स्वागत है आपका अपने रवि जनरल टेक चैनल में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आप सभी का इस वीडियो पर डायरेक्ट आते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं थंबनेल को या फिर स्क्रीन पर वेबसाइट जो ओपन हुई है उसको देख रहे हैं, ये कैंटीन सिस्टी की वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट। और इस पर आपको बता दूं कि भारत सरकार ने एक नया नियम बनाया है जिससे कि आप अपना अब सीएसडी डिपार्टमेंट से जितने भी फोर्स के जवान हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, ओआर है, जेसीओज हैं, वो सभी अब अपना ऑनलाइन शॉपिंग कर सकेंगे सीएसडी से। तो जैसे कि आप सभी को पता है सीएसडी कंटेन स्टोर डिपार्टमेंट से हम जितना भी फोर व्हीलर का और फोर व्हीलर टू व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक जितना भी आइटम है वो सब आप ऑनलाइन बाई कर सकते हो। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बाई करना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन बताऊंगा, जिसके बाद आपका वो रजिस्ट्रेशन वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद आप ऑनलाइन बाई कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कैसे वेबसाइट पर जाना। क्रोम में सिर्फ आपको CSD AFD ऑनलाइन ये लिखना है। ये लिखने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद सबसे फर्स्ट ऑप्शन है CSD AFD ऑनलाइन कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद URCS टू रजिस्टर शॉप नाउ, सबसे पहले शॉप नाउ पर क्लिक करेंगे। स्वप्नों पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉगिन लिखा है। लॉगिन तो जब ही करेंगे जब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। और सबसे नीचे इसमें लिखा क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे नेम हैज प्रिंटेड ऑफ ग्रोसरी कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा है वो नाम लिखिएगा। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी अपना रैंक नहीं डाले, सिर्फ नाम जो आपका नाम है वही लिखिएगा। सुनील है, सुमनील कुमार है। फर्स्ट इसमें कस्टमर आईडी इसमें 19 नंबर का जो डिजिट नंबर होता है CSD कैंटीन के फर्स्ट, उस पर फर्स्ट जो फ्रंट पर होता है। उसके बाद नेक्स्ट चिप नंबर जो CSD कार्ड के पीछे वाले बैक पर होता है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालिएगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इसमें अगर सर्विसमैन है तो सर्विसमैन, ESM है तो ESM, डिफेंस सिविलियन है तो सिविलियन, और डिप्टीशन में तो है डिप्टीशन। ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपका है, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आसाम राइफल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको डेट ऑफ बर्थ पता ही है। डेट ऑफ एनरोलमेंट का भी सभी को पता होगा जितने भी आर्मी के जवान हैं। डेट ऑफ रिटायरमेंट की डेट भी आप डाल दीजिएगा। अपना रिकॉर्ड ऑफिस का जो लॉग इन पेज होता है मेन, उसको खोल के पता चल जाएगा डेट ऑफ रिटायरमेंट। कैटेगरी ऑफिसर, JCO, OR जो भी हैं। पैन कार्ड नंबर, अगर एक्सर्विस मैन है तो डिस्चार्ज बुक उसको मिली होगी, उसमें डिस्चार्ज नंबर लिखा होगा वो डाल दीजिएगा। यूजर नेम आप अपना कुछ भी डाल दीजिएगा, जैसे उसमें कैपिटल लेटर भी होनी चाहिए, स्मॉल लेटर भी और डिजिट भी। पैन कार्ड नंबर डाल दीजिएगा, यूजर नेम, ईमेल आईडी हो गया, और यहाँ पे पासवर्ड करके सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपका एक हफ्ते का टाइम लगेगा जिससे आपका वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद तुरंत आपको मेल दी जाएगी। मेल पर जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। फिर वहाँ से वापस बैक जाके यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड, लॉगिन आईडी, अपना यूजर नेम जो आपने डाला था वो आप यूजर नेम डाल के इसमें आप लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको जो भी आइटम आपको बाय करना है वो आप सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद पेमेंट करने के बाद जो आपके आसपास की यूनिट है उधर का CSD कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट का नाम क्या है उधर से जान के उधर से पता कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने पेमेंट कर दिया है या फिर ऑर्डर कर दिया, पेमेंट नहीं किया है, तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा दोस्तों, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। इसलिए CSD AFD पर जल्द से जल्द जितना हो उसके सभी के सभी अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कोई भी सामान ऑनलाइन खरीदे। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही काफ़ी। और ऐसे ही नए नए ऑप्टिकल में आपके सलिए लेके आता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।